हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एज यू नो कि आजकल जब कभी भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होती है। तो कभी सोचा है आपने कि क्या चीज मिसिंग है आपके उस रिज्यूमे के अंदर? तो आज मैं आपको, जैसे कि आपने मेरे बैनर और टाइटल में देखा ही होगा कि मैं डेटा एनालिस्ट की जो जॉब होती है उसमें जो भी आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे मैं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ सर्टिफिकेट लेके आया हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपका कोई भी सिंगल पैसा नहीं लगेगा। और इवन कि जिस कंपनी का मैं लेके आया हूँ वो कंपनी मेरी खुद की कंपनी है, आईबीएम। ओके, आईबीएम आपको प्रोवाइड करा रही है फ्री सर्टिफिकेशन डेटा एनालिस्ट की, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब कभी भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और आप मेंशन करेंगे आईबीएम जैसी कंपनी का नाम अपने रिज्यूम के अंदर। तो कैसे मिलेगा ये सर्टिफिकेशन, कैसे करना है, क्या क्या है इसका प्रोसेस, सारी चीजें मैं आपको इसी एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। तो मेरी स्क्रीन पे आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ये ओपन कर रखा है, ये कोर्स। अब ये कोर्स डायरेक्टली कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? ये करवा रहा है आपका, ऑर्गेनाइज करवा रहा है आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव है क्या, उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आईबीएम के पोर्टल पे। तो आईबीएम के इस पोर्टल पे आने के बाद में आप भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये जो आपको डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपके लिए हेल्प करेगा, वो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है, इसका ओवरव्यू इन्होंने दिया है। इस सर्टिफिकेशन के साथ में आपको एक बैच भी देखने को मिलेगा, जो कि बैच आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में। ओके, एंड देन यहाँ पे आप इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वट एवर। एंड उसके साथ में यहाँ पे आपके पास में स्किल्स देखेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ओके, एंड इसके बाद में जो कि बैच है वो बैच कहाँ से सीखना है वो सारे लिंक इन्होंने प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट थिंग जो कि उनका ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पहुंच जाएंगे कुछ इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले जो कि लर्निंग पाथ है आपका, किसका? कॉग्निटिव का। ओके, अब cognitive.ai आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है कि आपको डेटा एनालिस्ट विद द पाइथन आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है, जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ओके, इसके अंदर क्या क्या चीजें ये मेंशन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इंसाइट्स रख रहे हैं, बाकी आप रीड कर सकते हैं वन बाय वन जाके। यहाँ पे रेटिंग आप देख सकते हैं कि क्या रेटिंग है इस पर्टिकुलर कोर्स की। यहाँ पे एनरोल फॉर फ्री, जैसे मैंने आपको मेंशन करा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, दैट्स व्हाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को आप अच्छे से अच्छे तरीके से सीखें और ये सर्टिफिकेट लें और लिंक्डइन में आप इसको एड ऑन करें और अपने रिज्यूम में एड ऑन करें। ओके, इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा जस्ट बिलो, मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा। पहले राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 15 आवर्स का ये कोर्स है, बिगनर लेवल है इसका। ओके, इसके बाद में आपका डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, एंड देन नेमपाई, देन पांडास, पाइथन, देन एसके लर्न, ये सारी चीजें स्किल्स यहाँ पे कवर होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज होने वाला है आपका, कोड है यहाँ पे ये। ओके, इसके बाद आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वापस। लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, डेटा एनालिस्ट के सारी की सारी स्किल्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। ओके, एंड देन इसके बाद में थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दिया है इन्होंने कोर्स के बारे में कि किस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। एंड देन इसके बाद में यू विल लर्न हाउ टू, कैसे आप लर्न करेंगे और क्या क्या चीजें हैं इसमें, यहाँ पे है इन्होंने मेंशन कर रखा है ये सारी आपके पॉइंट्स, आप इन्हें वन बाय वन रीड कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे, देन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्या क्या लाइब्रेरी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस, कैसे असाइनमेंट्स, कैसे एक्सपीरियंस शेयरिंग, ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है यहाँ पे। देन इसके बाद में सिलेबस क्या होने वाला है कोर्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे आप कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स के हिसाब से इन्होंने डिवाइडेड कर रखा है, मॉड्यूल 1 के अंदर आपके पास में इंपोर्टिंग डेटा सेट्स है, देन इसके अंदर इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, देन मॉड्यूल 2 क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग द डेटा, एंड उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी है। मॉड्यूल 3 के अंदर आप देखेंगे समराइज द डेटा फ्रेम कि कैसे आप समराइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी है। मॉड्यूल 4 के अंदर और आप मॉड्यूल 4 के अंदर आपका मॉडल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है डिटेल में। देन मॉड्यूल 5 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे मॉडल इवेल्युएशन के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है, जिसमें आप मॉडल के बारे में और आपका ओवरलिफ्टिंग के बारे में ये सारी चीजें आप यहाँ पे करेंगे। एंड देन जनरल इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से आपको ये कोर्स करना है, सेल्फ पेस्ड होगा आपका,
जब भी आप चाहें तब कर सकते हैं आप, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि इसी टाइम पे आपको करना है, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सम पाइथन एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्टिफिकेट आप ढूंढ रहे हैं, आपके पास में नॉलेज ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। इसके साथ में और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे डेटा साइंस विद द पाइथन, देन अप्लाइड डेटा साइंस विद द पाइथन, देन इसके बाद में डेटा साइंस एसेंशियल्स, एंड देन यहाँ पे आपका डेटा एनालिस्ट करियर प्रिपरेशन। बहुत सारे कोर्सेज हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बट जो अभी मेरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने चाहता हूँ, कैसे आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसके साथ एक बैच भी मिलेगा जो कि आपको कैसे एक्सेस होगा, जिस भी लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करेंगे आईबीएम पे और यहाँ पे, बोथ सेम आईडी होनी चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद में जब कभी भी आपको बैच मिलता है वो आपके जीमेल आईडी पे मिलेगा, और वो जीमेल आईडी आपके क्रिडली के साथ में अटैच होनी चाहिए। आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आप मेरी प्रोफाइल के अंदर जाके भी देख सकते हैं कि मैंने भी बहुत सारे बैचेस ले रखे हैं जो कि मैंने लिंक्डइन के ऊपर आपके पोस्ट कर रखे हैं, वहां से आप ओवरव्यू ले सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बैच दिखते हैं, सारी डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है मेरी प्रोफाइल का। अब इसके बाद में ये तो हो गया आपका मोटा मोटा कि डेटा एनालिस्ट के सर्टिफिकेट के बारे में। आपको पर्टिकुलर किसी और लैंग्वेज या कोई और डोमेन के सर्टिफिकेशन चाहिए जो कि मेरी कंपनी प्रोवाइड कराती है तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर मेरी कंपनी नहीं देती है या कहीं और से भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है कोई सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दें आप। ओके, एंड देन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस फॉलो कर लें, जितनी भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे हर जगह पे, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम एंड लिंक्डइन, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। आप मेरे से 1-to-1 बात भी कर सकते हैं टॉपमेट पे आके, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ये है कुछ सेशन, आप यहाँ से अपने बुक कर सकते हैं पर्सनली मेरे से, और जितने भी मैंने आज तक वीडियोस दिए हैं, कोर्सेज दिए हैं आपके, सब कुछ फ्री है, सारे सोर्स कोड अवेलेबल है यहाँ पे गिटहब पे, और मेरी खुद की वेबसाइट भी है ये, यहाँ से आप जाके ओपन कर सकते हैं, और चैनल तो आपके सामने ये है। ओके, तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में गाइस, जब टिल देन बाय गाइस।